हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर फाइन आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटिंग विद अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम चार टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें से थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज हम लास्ट और फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप थी जब हमारे पास गिवन होता था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती थी और उससे हमें प्रिपेयर करना होता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट And balance sheet. Second method, we have discussed, which given trial balance and some additional information, and from that we have to prepare balance sheet and income and expenditure account. Third type of question that we have discussed is. when receipt and payment account has to be prepared हमें prepare करना होता था receipt and payment account और balance sheet और हमारे पास given होता था income and expenditure account basically income and expenditure से हमें prepare करना होता था receipt and payment account और balance sheet आज हम fourth type को discuss करेंगे जब हमारे पास receipt and payment account given होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी गिवन होगा हमें प्रिपेयर करनी होगी बैलेंस शीट ठीक है इस ये दोनों अकाउंट्स की हेल्प से हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी बैलेंस शीट बिगनिंग की भी और एंड की भी क्लियर है अब ये हमें कैसे प्रिपेयर करनी है वो हम प्रैक्टिकल से ही uh, समझेंगे स्टार्ट करते हैं

फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड नाइन योगी हमारी ओपनिंग और थर्टी फर्स्ट दिसम्बर टू थाउजेंड नाइन योगी हमारी क्लोजिंग ओके हमारे पास गिवन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ ही कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं डिप्रिशिएशन ऑन ऑल द एसेट हैज़ बिन वर्कड आउट फॉर द फुल ईयर जो भी डेप्रीशन लगा रखा है डेप्रीशियशन कहाँ लगता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड जो भी डेप्रिशिएशन हमने चार्ज किया है वो क्या है पूरे ईयर के लिए चार्ज किया गया ठीक है नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ़ बिल्डिंग इज एक्सक्लूसिव ऑफ़ द कॉस्ट ऑफ़ लैंड ऑफ द हॉस्पिटल अमाउंटिंग टू फिफ्टी थाउजेंड और जो बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है हमारे पास उसमें लैंड इंक्लूडेड नहीं है मतलब लैंड उससे एक्सक्लूडेड है उसमें हमने लैंड को कवर नहीं किया दैट लैंड की कोस्ट कितनी है फिफ्टी थाउजेंड ओके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑफ द फेस वैल्यू टू लाख कोस्ट वन लैख एटी थाउजेंड है जिसकी रिप्रजेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंडोमेंट फंड ऑफ द हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं हमारे पास वो रिप्रेजेंट करती है हमारे इंडोमेंट फंड को दैट मीन्स कि जो हमने इंडोमेंट फंड से पैसा रिसीव किया वो हमने क्या, क्या? किया इन्वेस्ट किया किसमें गमेंट सिक्योरिटीज में क्लियर है क्वेश्चन क्लियर है अब हमारे माइंड में कि हमें प्रिपेयर करनी है दो बैलेंस शीट एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट फॉर्मेट बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ एस एस हॉस्पिटल एज ऑन हम बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं एज ऑन 1st january 2009 left hand side liabilities will be shown right hand side assets will be shown okay in the same way we have to prepare format of this year balance sheet that is as on 31st december 2009 balance sheet of ss hospital as on 31st december 2009 left hand side liabilities will be there राइट एंड साइड एसेट्स भी दे ओके okay? ओके okay, अब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट सबसे पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को तो हमारे पास है डेप्रिशिएशन ऑन ऑल एसेट है फुल ईयर जो डेप्रिशिएशन गिवन है वो फुल ईयर का गिवन है हमारे पास ठीक है सो पहले हम इन्हीं एसेट्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं अब देखो बिल्डिंग गिवन है टू पॉइंट फ़ाइव परसेंट पे डप्रीशिएशन लगाया हमने बिल्डिंग पे कितना फ़ाइव थाउजेंट फर्नीचर पे टेन परसेंट जो कि है फोर हंड्रेड इंस्ट्रूमेंट पे ट्वेंटी परसेंट परसेंट दैट इज़ ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है ये हमने डेप्रीशियेसन लगाया है. अब देखो अगर बिल्डिंग का टू पॉइंट फाइव परसेंट देखें तो वो कितना है फाइव थाउजेंट है ना अगर हम हंड्रेड परसेंट जानना चाहते हैं कि बिल्डिंग है कितने की बिकॉज यहाँ पे हमें हमारे पास बैलेंस शीट तो गिवन है नहीं तो हम बिल्डिंग का अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे तो अब देखो हंड्रेड परसेंट कैसे निकालेंगे यूनिटरी मेथड से फाइव थाउजेंड इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फाइव जो कि हमारे पास आ जाएगा टू लाख यानी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है टू लाख हमने डेप्रिशिएशन किस पे लगाया है टू लाख पे टू लैख ,00 का टू पॉइंट फाइव परसेंट हमारे पास आया था फाइव थाउजेंट ठीक है समझे टू पॉइंट फाइव परसेंट अगर फाइव थाउजेंड है तो वन हंड्रेड परसेंट अगर हमें चाहिए तो वो कितना होगा तो हंड्रेड से कर दिया मल्टीप्लाई और टू पॉइंट फाइव से कर दिया डिवाइड क्लियर है बच्चे अब देखो अब हमें ये देखना है कि ये जो बिल्डिंग का अमाउंट है टू लाख ,00 क्या उसमें से कुछ इस बार तो नहीं परचेज किया क्या उसमें से कोई बिल्डिंग हमने इस साल परचेज़ की है बिल्डिंग का मतलब हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी पेमेंट गिवन नहीं है सो दैट मीन्स बिल्डिंग हमारी कितने की है टू लाख की और वो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी अब नेक्स्ट देखो बिल्डिंग के बारे में कुछ और भी गिवन है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज एक्सक्लूसिव ऑफ द कोस्ट ऑफ लैंड ऑफ द हॉस्पिटल अमाउंटिंग टू फिफ्टी थाउजेंड बिल्डिंग के अमाउंट में हमने लैंड जो है उसका अमाउंट जो है वो इंक्लूड नहीं कर रखा आपको पता है कि लैंड पे तो डेप्रिशिएशन लगता ही नहीं डेप्रीशिएशन लगता है बिल्डिंग पर ठीक है तो इसलिए लैंड एक्सक्लूडेड है और लैंड कितने की है फिफ्टी थाउजेंड लैंड भी आपकी एसेट है तब देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में लैंड शो कर दोगे फिफ्टी थाउजेंड बिल्डिंग शो कर दोगे टू लाख ओके सेकेंड थिंग अब क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करें तो लैंड तो फिफ्टी थाउजेंड है लैंड पे तो कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगा सो so, लैंड विल बी फिफ्टी थाउजेंड बट बिल्डिंग बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन लग गया कितने का टू पॉइंट फाइव यानी फाइव थाउजेंड तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप क्या करोगे बिल्डिंग दिखाओगे टू लैख लेस करोगे डेप्रीशियेसन फाइव थाउजेंड दैट मीन्स अब बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड ना कि टू लैख ओके बिल्डिंग की वैल्यू टू लाख नहीं है अब क्या है वन लाख नाइन्टी फाइव नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर फर्नीचर पे टेन परसेंट एप्रीशिएशन लगा है जो कि आया फोर हंड्रेड अगर टेन परसेंट फोर हंड्रेड है तो हंड्रेड परसेंट यानी पूरा डेप जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू क्या होगी फोर हंड्रेड इंटू हंड्रेड हंड्रेड परसेंट चाहिए हमें डिवाइडेड बाई टेन टेन हमें गिवन है दैट मीन्स फर्नीचर की वैल्यू कितनी है फोर थाउजेंड क्लियर है अब हमें देखना है कि क्या इसमें से हमने कुछ इस बार परचेज किया है सब देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में फर्नीचर परचेज किवन है कितना वन लाख. दैट मीन्स वन लाख फर्नीचर हमने इस बार परचेज किया है तो यानी पिछले साल की बात करें तो पिछले साल हमारे पास फोर थाउजेंड नहीं होगा फर्नीचर कितना होगा फोर थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड थ्री थाउजेंड बिकॉज फोर थाउजेंड तो इस बार हो गया ना हमारा बैलेंस क्योंकि डेप्रिशिएशन हमें गिवन है कि डेप्रिशिएशन सब पे लगाया और वो भी फुल ईयर का क्लियर है सो दैट मीन्स हमारी फर्नीचर की पहले वैल्यू कितनी थी थ्री थाउजेंड ये हमने इस बार परचेज किया है वन थाउजेंड का सो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा हम हाँ, फर्नीचर कितना थ्री थाउजेंड नॉट फोर थाउजेंड बिकॉज वन थाउजेंड जो है वो हमने इस साल परचेज़ किया और क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग में आ जाएगा फर्नीचर थ्री थाउजेंड एक तो पिछले वाला और एक वन थाउजेंड हमने इस साल परचेज किया टोटल फर्नीचर हो गया फोर थाउजेंड ठीक है बट इस साल फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लग गया फोर हंड्रेड का वो कर देंगे लेस तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी थर्टी सिक्स हंड्रेड ठीक है होप इट्स क्लियर फर्नीचर डन अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट पर फर्नीचर लगा सॉरी डेप्रिशन लगा हमारा ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट कितना है हमारा ट्वेल्व हंड्रेड और अगर हमें पूरी इंस्ट्रूमेंट जाननी हो कि हंड्रेड परसेंट कितना है तो कैसे ट्वेल्व हंड्रेड इन टू हंड्रेड यूनिटरी मैथड जैसे आप लगाते थे डिवाइडेड बाई ट्वेंटी ये हमारे पास कितना आ जाएगा उजेंड ओके दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स कितने के हैं कितने इंस्ट्रूमेंट्स पे डेप्रिशिएशन लगा है सिक्स थाउजेंड पर अब इसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट हमने इस साल परचेज़ किए हैं देखो पेमेंट्स में गिवन है टू थाउजेंड हमने इस साल परचेज़ किए मतलब पहले हमारे पास कितने इंस्ट्रूमेंट होंगे इन टोटलिटी कितने सिक्स थाउजेंड दो हज़ार इस साल परचेज़ किए हैं तो यानी स्टार्टिंग में हमारे पास कितने पड़े होंगे फोर थाउजेंड ओके सो जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें तो आ जाएंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स फोर थाउजेंड और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे हमारे एक तो फोर थाउजेंड दो हज़ार इस बार परचेस कर दिए एड टू थाउजेंड लेस बारह सौ डेप्रीशिएशन लग गया वो लेस कर दिया और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू आ गई इस बार फोर्टी एट हंड्रेड ओके तो so, हमने बिल्डिंग फर्नीचर और इंस्ट्रूमेंट का ट्रीटमेंट कर दिया नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑफ द फेस वैल्यू टू लैख जिसकी कॉस्ट है वन लैख एटी थाउजेंड रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ इन फंड अब आपको पता है कि कोई भी एसेट हम किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल वैल्यू पे तो इतना तो पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो हम किस पे नोट डाउन करेंगे वन लाख एटी थाउजेंड पे ना कि टू लाख पे क्लियर है बिकॉज हम हिस्टोरिकल कोर्स कंसेप्ट किया था ना कि सारी एसेट्स की जो वैल्यू है वो हम किस अकॉर्डिंग नोट डाउन करेंगे जिस पे हमने उसको परचेज़ किया है ना कि जो मार्केट में चल रहा है क्लियर है अब ये क्या कह रहे हैं कि जो एंडोमेंट फंड से हमने रिसीव किया था अब ये देखो एंडोमेंट फंड से हमने रिसीव किया वन लाख एटी थाउजेंड और उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया किसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में मतलब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो किससे रिलेटेड है एंडोमेंट फंड से क्लियर है तो एक तो हमारे पास एंडोमेंट फंड हो गया वन लैख एटी थाउजेंड और एक हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो कि हो गया वन लैख एटी थाउजेंड ठीक है और इन द सेम वे आप शो कर दोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में एंडोमेंट फंड वन लाख एटी थाउजेंड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वन लाख एटी थाउजेंड ओके अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी डन अब आते हैं हमारे रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे सबसे पहले गिवन है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ये चला जाएगा हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में यानी फर्स्ट जनवरी की बैलेंस शीट में सो फर्स्ट जनवरी की बैलेंस शीट में हमारे पास आ गया कैश इन हैंड सिक्स हंड्रेड एंड कैश एट बैंक सेवन थाउजेंड ओके उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है एंडोमेंट फंड हमने शो कर दिया था नेक्स्ट इज रिसीट इस बार हमने रिसीव किया है सब्सक्रिप्शंस कितने थर्टी थाउजेंड और डोनेशंस कितने सिक्स थाउजेंड अब हमें ये देखना है ये जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव की है इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड तो नहीं है वो कहाँ से पता लगेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से बिकॉज आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आपको शो करनी पड़ेगी बैलेंस शीट में अब देखो सब्सक्रिप्शन वहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन देखा फिर आएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे तो देखो ये जो हमने थर्टी थाउजेंड रिसीव किया उसमें से एट थाउजेंड जो है वो किसका था टू थाउजेंड एट का यानी ये क्या हो गया टू थाउजेंड एट का आउटस्टैंडिंग और इस बार का आउटस्टैंडिंग कितना है आउटस्टैंडिंग खाली गिवन है ना आपको ईयर नहीं गिवन तो मतलब इसी साल का है दैट इज एट थाउजेंड ठीक है तो रिसीट है हमारी मतलब हमें रिसीव होना है एक्रूड इनकम है तो कौन क्या आ हाँ जाएगी एस एट साइड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टेन थाउजेंड और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट थाउजेंड ओके सब्सक्रिप्शन डन नेक्स्ट इज डोनेशन अब देखते हैं डोनेशन को इन्होंने कैपिटल रिसिप्ट माना है या रिवेन्यू uh, रिसिप्ट अगर रिवेन्यू रिसिप्ट माना हुआ तो इस शो कर देंगे इनकम आंड एक्सपेंडिचर का हुँ. अब देखो डोनेशन इन्होंने यहाँ से शो कर रखा है दैट मीन्स इन्होंने रिवेन्यू कंसिडर किया है इसको तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा अगर डोनेशन यहाँ शो नहीं किया होता तो हम कहाँ शो करते बैलेंस शीट में नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट अब देखते हैं इंटरेस्ट का देखो इंटरेस्ट रिसीव किया हमने टेन थाउजेंड अब देखते हैं कितना आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग या कुछ प्रीपेड तो नहीं है तो देखो इंटरेस्ट में गिवन है आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और फॉर टू थाउजेंड एट एंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फॉर टू थाउजेंड नाइन तो इंटरेस्ट रिसीवेबल है हमारा तो आज एक इंटरेस्ट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ओपनिंग बैलेंस शीट में और ट्वेंटी फाइव हंड्रेड क्लोजिंग बैलेंस शीट में ठीक है नेक्स्ट इज मिसलिनियस रिसिप्ट तो देखो मिसलेनियस रिसिप्ट में कुछ तो नहीं है मिसलेनियस रिसिप्ट नॉर्मल हैं फोर हंड्रेड ही थे इस बार के और फोर फोर हंड्रेड ही हमने रिसीव किए आगे फर्नीचर परचेज कर लिया था हमने इंस्ट्रूमेंट परचेज हो गया था सर्जरी एंड डिस्पेंसरी रिवेन्यू नेचर का है माँ शो किया होगा डाइट एक्सपेंसेस भी रेंट एंड टैक्सेस भी ठीक है अब देखते हैं पहले इससे कुछ इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास वो तो नहीं है प्रीपेड या समथिंग डाइट एक्सपेंसेस गिवन है सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस गिवन है नॉर्मली इसका कुछ प्रीपेड या कुछ नहीं है हमारे पास रेंट एंड टैक्सेस रेंट एंड टैक्सेस का देखते हैं अब देखो रेंट एंड टैक्सेस फॉर टू मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर टू एंड आउटस्टैंडिंग फॉर टू तो आउटस्टैंडिंग 2008 का कितना है 200 तो देखो लाइबिलिटी है हमारी 200 हंड्रेड आउटस्टैंडिंग और टू फिफ्टी फोर टू थाउजेंड तो खाली आउटस्टैंडिंग मेंशन है तो इस बार का यानी टू थाउजेंड नाइन का टू इंश्योरेंस सॉरी पहले अब नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्या है इंश्योरेंस अब इंश्योरेंस को देखते हैं प्रीपेड अकाउंट में तो इसमें सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो यहाँ पे प्रीपेड है हंड्रेड तो प्रीपेड क्या होता है हमारा एसेट सो so, हम क्या करेंगे प्रीपेड इसी बार का है ना तो हम कहाँ शो करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस हंड्रेड ओके नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस से देखते हैं रिलेटेड कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस नॉर्मल है कुछ प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग नहीं है सैलरीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड सैलरीज में देखो सैलरीज थी हमारी टू थाउजेंड एट की फिफ्टीन हंड्रेड यानी आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग टू थाउजेंड एट की और नाइन की टेंथ वन थाउजेंड सो टू थाउजेंड नाइन की एट uh, की फिफ्टीन हंड्रेड और नाइन की वन थाउजेंड ठीक है मतलब बिगिनिंग की यानी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड नाइन की हमारे पास होगी ओपनिंग की ओके okay? नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंसिस अब देखो मिसलेनियस एक्सपेंसिस गिवन है यहाँ पे हाँ नॉर्मली गिवन है कुछ प्रीपेड नहीं है अगला है क्लोजिंग बैलेंस अब क्लोजिंग बैलेंस कहाँ चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में ठीक है तो क्लोजिंग बैलेंस चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना क्लोजिंग बैलेंस चला गया क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड है हमारे पास सेवनटीन हंड्रेड और कैश एट बैंक है सेवनटीन थाउजेंड ओके okay? अब हमने सारी आइटम्स को ट्रांसफ़र कर दिया अब हम क्या करेंगे बैलेंसिंग करेंगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट की बैलेंसिंग करेंगे तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल फंड का अमाउंट टू लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड ओके उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड नाइन का जिसमें हम सबसे पहले कैपिटल फंड को ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो ये आ गया टू लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड और उसमें सरप्लस ऐड करते हैं हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गिवन होता है दैट इज सिक्स जीरो फाइव जीरो तो हमारे पास टोटल कैपिटल फ़ंड आ गया टू लाख एटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी ओके हम इसको कर देंगे टोटल तो, जो आ जाएगा इक्वल दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट ओके okay? आज के लिए बस इतना ही आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, हैव अ नाइस डे